एक तरफ जहां आयुष्मान आरोग्य जैसी योजनाएं चलाकर देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को निशुल्क चिकित्सीय सुविधा देने की बात की जा रही है, तो वहीं आईजीएमसी अस्पताल में मरीजों को स्पेशल बेड के लिए अब पहले से और अधिक पैसे देने पड़ेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने सोमवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक के लिए इस फैसले की जानकारी दी। रोगी कल्याण समिति आरकेएस की बैठक में 2014 से 17 की ऑडिट रिपोर्ट को स्वीकृति दी गई। वहीं अस्पताल में अनावश्यक भीड़ को कम करने पर भी चर्चा हुई और मरीजों के साथ रहने वाले तीमारदारों की भीड़ पर अंकुश लगाने को लेकर भी उचित कदम उठाने की आवश्यकता जताई गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी में निर्माणाधीन ओपीडी इमारत जल्द ही तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्पेशल वार्ड के दामों में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। जो वीआईपी बेड पहले 1500 में मिलता था, अब 2000 का होगा। सिंगल रूम 1000 से 1500 किया गया है, जबकि शेयरिंग रूम जो पहले 500 रुपए में मिलता था, अब 750 रुपए का होगा। तीमारदारों को एक वक्त का खाना निशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीनदयाल सराय में एक वक्त रहने की निशुल्क सुविधा दी जाएगी। बैठक में 25 करोड़ 20 लाख रुपए के बजट को भी मंजूरी दी गई, जिसमें से 56 लाख अस्पताल की अपनी आय से, जबकि बाकी सरकार वहन करेगी। केएनएच बजट को भी मंजूर किया गया है। आरकेएस अनुबंध कर्मियों का मानदेय 119 से बढ़ाकर 140 किया गया है। बैठक में और लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए विपिन सिंह परमार ने कहा कि आईजीएमसी के लिए 3 नई ईसीजी मशीनें खरीदी जाएगी। मार्च माह में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। केएनएच में बांझपन का इलाज, आईबीएफ शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में चल रही 3 दुकानों का रेट 3% बढ़ाया गया है। 300 बिस्तरों को सेमी फाउलर बेड में बदला जाएगा। यहाँ पर जो हमारे अस्पताल में बेड्स हैं उनको बदला जाए, लगभग 300 बेड, जिन बेड्स का नाम है सेमी फाउलर बेड्स, यहाँ पर लगाए जाएं। और यहाँ पर ईसीजी की भी 3 मशीन्स और लगाई जाएं, यहाँ पर ये चर्चा हुई है। सिग्नल बूस्टिंग के मामले में यहाँ पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर के जो केएनएच में आईबीएफ ऐसा करके एक सेंटर खोला जाए, जिसको कहते हैं कि बांझपन को दूर करने के लिए, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कॉर्निया का अगर इम्प्लांट हो सकता है, आने वाले फरवरी मार्च में यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो इस दिशा में भी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आरकेएस की बैठक में आज यहाँ पर इस रूप में भी विस्तार से चर्चा हुई है। और अन्नपूर्णा अटल जी के नाम से ऐसे अस्पताल में आने वाले उन पेशेंट या उनके अटेंडेंट्स को उसका एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा कि पेशेंट का अटेंडेंट वहाँ पर निशुल्क खाना खा सके। ये अन्नपूर्णा अटल जी के नाम से दिसंबर के अंत ऐसा प्रस्तावित है, वो करेंगे। और यहाँ पर जो सराय हैं उसकी दशा हालत को सुधारेंगे। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के तहत होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के पंजीकरण को ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए आईजीएमसी अस्पताल में पैरामेडिकल काउंसिल की वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसमें दूर दराज के लोगों को बड़ा फायदा होगा। स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के तहत जो वेरियस कोर्सेज होते हैं, जिसमें रेडियोग्राफर्स, ओटी टेक्नीशियंस, ऑडियोमेट्री रिफ्रैक्शनिस्ट, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन के लिए जो अथॉरिटी है वो स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल यहाँ पे काम करती है। और आज माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी के आशीर्वाद से हम आज इस जो पैरामेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को भी हमने यहाँ से शुरू किया है आज, जिसके लिए लोगों को दूर दराज क्षेत्रों से वो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल पैरामेडिकल ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।